भगवान के भक्त के अंदर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आश्रित। अच्छा ये बताओ, छोटे छोटे बच्चे किसके आश्रित होते हैं? जोर से, जोर से, मां बाप के। छोटे बच्चे किनके आश्रित हैं? अब बताओ, जब छोटे बच्चे मां बाप के आश्रित हैं तो बच्चों को कोई दुख है, कोई टेंशन है? आज तक किसी बच्चे को आपने टेंशन में देखा? नहीं, क्योंकि बच्चे आश्रित हैं। सोचो मेरी मां, कि जब एक बच्चा अपने मां बाप के आश्रित होकर सुखी हो जाता है, तो तुम तो उस मां बाप के आश्रित हो जाओ जो जगत का पालनहार है। जिस दिन भगवान के आश्रित होगे, सोचो कि आप कितने सुखी हो जाओगे। लेकिन आप बस जमाने के आश्रित हो। मेरी तो नेताजी से पहचान है, मैं तो वो हूं, मैं तो ये, मरते रहो फिर। तुम्हें लगता है कोई बाबा तुम्हारा दुख दूर कर देगा? कोई कर देता तो कर देता ना, भगवान के सिवा तुम्हारा दुख दूर कोई कर सकता है क्या? द्रौपदी का दुख दूर कर पाया कोई? इसलिए एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। हमें तो दुख भी मिलेगा, छोटा बच्चा है, माँ उसे दो थप्पड़ भी मारती है, लेकिन बच्चा कितना समर्पित होता है। बच्चा माँ से इतना समर्पित होता है माँ में, कि माँ थप्पड़ मारती है तो भी भागकर वो माँ के पास ही आता है, थप्पड़ खाके भी। माँ थप्पड़ मारे तो भाग के कहां जाएगा? कहीं नहीं जाता, वो दौड़ के फिर माँ के पास ही आता। ऐसा ही है कि जीवन में कितना भी दुख आए तो भी भागकर भगवान के पास ही जाओ, और किसी के। और आप लोग भगवान ही बदल देते हैं, ये तो भगवान दुख देते हैं, वो भगवान बढ़िया है। आजकल एक बाबा जी भगवान बने बैठे हैं, आप सब लोग भगवान मंदिर बना दिए बाबा जी के, ऊपर बाबा जी की फोटो मूर्ति लगा दी, नीचे राम जी कृष्ण जी को बिठा दिया, हर शहर में बड़े बड़े मंदिर बना दिए बाबा जी के। क्या है ये? आपको लगता है वो बाबा से हमारा दुख दूर हो जाएगा? ये तो ऐसे ही बात हो गई कि एक पत्नी अपने पति के साथ थी और बोली कि नहीं, मेरा पति अच्छा नहीं, तो उसने पड़ोसन से दोस्ती कर ली, पड़ोसी से दोस्ती कर ली। अब बताओ, जब पति है आपका तो आपको पड़ोसी को ताक झांक करने की क्या जरूरत है? जो स्त्री अपने पति के होते पराए मर्द को देखे, वो नारी सही है? बोलो मेरी मां। उसी तरह जो अपने भगवान के होते हुए किसी और को भगवान माने, वो भक्त सही कैसे हो सकता है? भगवान एक है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन आज अमर अकबर एंथोनी नाम की एक पिक्चर आई, उस पिक्चर से एक भगवान को लॉन्च किया गया था। हाँ या ना? कौन से भगवान थे बताओ जरा? हाँ, कौन से? अमर अकबर एंथोनी नाम की पिक्चर से कौन से भगवान को लॉन्च किया गया था? उस पिक्चर के पहले कोई नहीं जानता था बाबा जी को। उस पिक्चर से इस तरह से लॉन्चिंग हुई बाबा जी की, कि भगवान बना के ब्लू ढाल दिया। लो भैया, भगवान का मंदिर। अब मंदिर में बाबा जी ऊपर बैठे हैं और भगवान जी नीचे, इससे बड़ा भगवान का अपमान क्या हो सकता है? और आप लोग कहते हैं अरे वो तो चमत्कारी है, बाबा है। चमत्कार तो जादूगर भी दिखा देता है मेरी मां। एक उंगली पर गिरिराज जी उठा लेना, तुम्हें यह चमत्कार नजर नहीं आ रहा है? एक उंगली पर गिरिराज जी उठाना, क्या यह चमत्कार कम पड़ा है? बिना खंभों का सेतु, राम नाम के पत्थर पानी में तैर गए, क्या यह चमत्कार कम था तुम्हारे लिए? जो तुम अपने भगवान को किसी बाबा के चमत्कार के कारण, चमत्कार, यदि चमत्कार को देख करके आप नमस्कार करते हैं तो फिर भगवान कृष्ण का चमत्कार आपको क्यों नजर नहीं आता? गिरिराज जी को उठाना चमत्कार नहीं?
जंगल में जेल में जन्म लेकर के और जेल से छूट करके और देवकी माँ से जा करके यशोदा माँ तक पहुंच जाना और कन्या को लेकर फिर आए वसुदेव जी, तो फिर जेल की बेड़ियां और हथकड़ियां लग जाना। जब भगवान कृष्ण आए तो चतुर्भुज रूप में आए। मैं बात कर रहा हूं साईं बाबा की। ठीक है, चमत्कार हमें चमत्कार से मतलब ही नहीं है। गोपियों ने कौन सा चमत्कार देखा, भरत जी ने कौन सा चमत्कार देखा? जो भरत जी का प्रेम था राम से, जो गोपियों के प्रेम था कृष्ण से, बस भगवान और भक्त के बीच में ना तो तुलसी हो, ना फूल हो, ना जल हो, ना फल हो, ना तो पैसा हो, ना सोना हो, ना चांदी हो, भक्त और भगवान के बीच में केवल गोपियों की तरह सच्चा प्रेम हो। और आज के युग में सारी फॉर्मेलिटियां होती हैं, प्रेम नहीं होता।